एकादश मंदिर के पास में मौजूद हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं आप, आज शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि, जिसमें जितने भी भक्तगण हैं आज श्रद्धा के साथ में श्रद्धापूर्वक अपने मंदिर में पूजा याचना कर रहे हैं। और आपको हम इस महापर्व का क्या विशेषताएँ हैं और क्या और ये क्यों मनाया जाता है, इसके ऊपर हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं। सर, महाशिवरात्रि का पर्व इतना महत्व क्यों है? भोलेनाथ, हे भगवान, जैसे तुमने सबके दुख कष्ट दूर किए हैं, उसी प्रकार से हमारे कष्ट भी दूर करना। और ये शिवरात्रि का बहुत पावन अवसर है, और इस अवसर पर देखो जो भी जितने भी प्राणी हैं, उस अपने रोग धोग जो भी कष्ट निवारण जितने भी होते हैं, भोले बाबा की पूजा करके और भोलेनाथ को ही अर्पण कर देते हैं कि हे नाथ, जितने दुख तुमने दिए हैं, हमारे दुख अब तुम ही अर्पण करो। ये भोलेनाथ सबकी इच्छाएँ पूरी करें। और आज के दिन भोलेनाथ जी का शुभ विवाह पार्वती माता के साथ में हुआ था, और इसलिए उनके शिवरात्रि नाम से शिव जी की पूजा की जाती है, और शिवरात्रि नाम से ये पर्व जाना। आप यहाँ पे कब से यहाँ पे कार्यरत हैं? तकरीबन मैं इसे 15-16 साल हो गए, तब से हम भगवान की शरण में हैं, उनकी सेवा का। हर साल की तरह इस बारे में इसी तरह का दिन हो रहा है, जो भी पब्लिक होती है काफ़ी सारी देखने को आनंद आए हैं। चाहे भी जितने भी भक्त यहाँ पर जितने भी सारी श्रद्धा से आगे श्रद्धा से आने का पूजा भोलेनाथ की करने का। और आप यहाँ पे पुजारी हैं? यहाँ पे इतना भीड़ है, तो इस शिवरात्रि में आप भक्तगण को क्या कहना चाहेंगे? बाबा की तो ये महाशिवरात्रि को लेकर आज जो है आप मंदिर के अंदर में क्या क्या मतलब कि आप एक्स्ट्रा कर रखे हैं दर्शन और भक्तों के लिए? मंदिर के पास बनाया हुआ है, सारे भगवान के साथ